Hello everyone, today we will discuss on the topic of foreign capital in India. In the initial stage of development, every rich country has used the foreign capital. यदि हम यूके या यूएसए को भी देखें, in the 17th-18th century, UK has taken the loan from the Holland. और 19th century में UK has given the loans to the other countries. ऐसे ही USA. 19th century USA has taken the loan from the other developed countries. और 20th century में USA was the biggest lender of the world. ऐसे ही India has also started the loan at the time of East India Company. But that time there was a British ruling and it was not in the favor of India. After independence, India has again used the foreign capital for the purpose of economic development and favorable balance of payment. Now, what is foreign capital? Foreign capital refers to the investment of capital by foreign government, foreign institutionals, private individuals, and international organization in a country. It could be in the form of foreign currency, foreign machines, foreign technology, etc. So this is the meaning of foreign capital. Next topic is classification of foreign capital. Foreign capital comes in India through the many ways like foreign aid, commercial borrowings and foreign investment. Foreign aid includes grants and concessional loans. Abhi tak total India has got the foreign aid from the US 1946 to 2012 $65.1 billion. और अभी रिसेंटली इन अप्रैल इंडिया हैज गोट द 2.9 मिलियन डॉलर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट जो है ग्रांट्स. ग्रांट्स फॉरेन गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द इंडियन सिटीजन. ये किस किस को मिलती है? एनजीओस को प्रोवाइड होती है या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको प्रोवाइड करते हैं. और जो इनकी पेमेंट होती है और जो इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट इज नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू पे बैक टू द फॉरेन गवर्नमेंट. तो दिस इज नोन एज ग्रांट. और सेकेंड वन इज प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन. कंसेशनल लोन क्या होते हैं? जो मार्केट रेट पे लोन चल रहा होता है उससे कम रेट पे प्रोवाइड करती है. ये कौन कौन प्रोवाइड करता है? एक तो फॉरेन गवर्नमेंट देती है और सेकेंड वन इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. ये फॉरेन गवर्नमेंट जो लोन प्रोवाइड करती है, ये एक प्रोजेक्ट के लिए दे सकती है या नॉन प्रोजेक्ट. जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे आपका सैनिटेशन का है या फिर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए है, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, या तो किसी पर्पज से हो सकता है, या नॉन प्रॉफिट जो है किसी भी एनी पर्पज के लिए जो है लोन प्रोवाइड करती है. तो दिस इज नोन एज फॉरेन गवर्नमेंट लोन्स. और सेकेंड वन इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, दे आल्सो प्रोवाइड द कंसेशनल लोन्स टू द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बोरोइंग्स. इंडिया आल्सो गोट द फॉरेन कैपिटल थ्रू कमर्शियल बोरोइंग्स. ये कमर्शियल बोरोइंग्स क्या क्या इंक्लूड करती है? एक तो NRI पीपल्स की डिपॉजिट्स को, दूसरा लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स. जितने भी NRI पीपल्स हैं, वो अपनी जितनी भी सरप्लस डिपॉजिट्स होती हैं, वो इंडिया बैंक्स में जमा करा देते हैं. लेकिन इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है या RBI डिसाइड करती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है इंडिया उनके डिपॉजिट्स को स्वीकार करता है. ऐसे ही लोन किससे मिलते हैं? फॉरेन बैंक्स भी. फॉरेन बैंक्स कौन कौन से हैं? जैसे US का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जैपनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ECG ऑफ UK. ECG की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन.
प्रोवाइड्स लोन टू द इंडियन गवर्नमेंट। ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं ये जो है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये फॉरेन बैंक्स इंडियन गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड्स करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी इंडिया में आती है। इसमें क्या होता है जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं दे इन्वेस्ट इन शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनीज। ये किस फॉर्म में होती है टू फॉर्म्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तो डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है दे इन्वेस्ट इन द इंडिया इन फुली फॉर्म और एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड फॉरेन कोलैबोरेशन। फुली का मतलब क्या होता है 100% फॉरेन कैपिटल जो है दे इन्वेस्ट इन इंडियन शेयर्स। जैसे आप एलजी है हमारा एग्जांपल ले सकते हो, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर 100% जो है दे आर ओपन फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स। होली ओन्ड कंपनी और एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। होली में 100% जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इंडिया। एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर में इट्स नॉट 100%, इट जस्ट एक्वायर द शेयर। ये शेयर 51% भी हो सकता है, 26% भी हो सकता है, 49% भी हो सकता है। यदि वो 51% शेयर है, 25% है या 49% शेयर है, दिस इज नोन एज एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट वन इज फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कम इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। जैसे हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं। आप एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड का दे सकते हो, ये इंडियन कंपनी है, उसने जैपनीज कंपनी सुजुकी के साथ कोलैबोरेट किया और नाउ इट इज बिकम द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही आप दे सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसने लैक्मे कंपनी के साथ जो है कोलैबोरेशन किया, नाउ जो है दिस इज नोन एज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो दिस इज द थ्री फॉर्म्स इन विच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कम्स इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में क्या डिफरेंस होता है। एफडीआई में जो इन फॉरेन कंपनीज का शेयर होता है वो 10% से ज्यादा होता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन कंपनीज का शेयर होता है वो 10% से कम होता है। और इसमें जो है ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में आती है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी इन फॉरेन कैपिटल मार्केट। अब ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इश्यू ऑफ एडीआर, ये एडीआर क्या होता है, एडीआर इज अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। जो अमेरिका गवर्नमेंट है दे हैव गिवन द फैसिलिटी टू अमेरिकन सिटीजन कि दे कैन इन्वेस्ट द शेयर्स इन दोज कंट्रीज विच शेयर्स इज लिस्टेड इन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई जर्मनी की कंपनी है उसके शेयर्स जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो अमेरिका के पीपल्स क्या है वो जर्मनी में अपने पैसे को लगा सकते हैं, दिस इज नोन एज अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। और सेकेंड वन इज जीडीआर, ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स अदर देन अमेरिका, अमेरिका को छोड़ के यदि कोई कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है
तो वो कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री में अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, अदर देन अमेरिका, और ये स्पेशल किसके लिए होता है, अमेरिका के लिए, यदि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे है, और जीडीआर मीन्स ग्लोबल अदर देन अमेरिका। नेक्स्ट है फॉरेन एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बोन्स। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोन्स के फॉर्म में भी आती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है, इफ दे आर गिविंग द बोन्स टू द अदर कंट्रीज, इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, उस कंट्री की करेंसी में। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई भी बोन्स निकाले हैं, तो बोन्स की पेमेंट किस में होगी, उस कंट्री की करेंसी में, जिस कंट्री को इंडिया ने बोन्स दिए हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्री रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इफ एनी फॉरेन इन्वेस्टर वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, देयर आर मेनली टू रूट्स। वन इज ऑटोमेटिक रूट, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट रूट। फॉर ऑटोमेटिक रूट देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द आरबीआई और गवर्नमेंट। आप डायरेक्टली जो है फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, बट इन द गवर्नमेंट रूट यू द फॉरेन इन्वेस्टर हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके भी आगे फर्दर टू केसेस हैं। यदि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अप टू 1200 करोड़, दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1200 करोड़, देन द फॉरेन इन्वेस्टर हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म ऑनलाइन। तो दिस इज द एंट्री रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन इंडिया। कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। सिंगापुर इन्वेस्ट 38.3% इन इंडिया, मॉरिशस 18.2%, नीदरलैंड 8.8%, यूनाइटेड स्टेट्स 7.1%, जापान 6.5%, यूके 3.1%, फ्रांस 1%, एंड अदर कंट्रीज 1.7%। सो दीज आर द कंट्री दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। लेकिन सिंगापुर का शेयर सबसे ज्यादा क्यों है 38.3%, दिस इज द डाटा गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन 2018। देखिए 2017 से पहले मॉरिशस का शेयर जो है ज्यादा था, इट वॉज 37%, और अब जो है सिंगापुर का शेयर ज्यादा है। तो सिंगापुर का शेयर क्यों ज्यादा है, क्योंकि देयर वॉज ए एग्रीमेंट बिटवीन रिलेटेड टू टैक्स ट्रीटी मॉरिशस एंड इंडिया इन 1982, जिसके अंदर जो है इंडिया ने मॉरिशस को कैपिटल गेन टैक्सेशन कंसेशन दिया हुआ था। 2017 में इंडिया हैज ऑल्सो डू द एग्रीमेंट विद द सिंगापुर। सो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल टैक्स ट्रीटी विद मॉरिशस एंड सिंगापुर। और ज्यादा सिंगापुर में क्या क्या फायदे थे, एक वहां की बिजनेस पॉलिसीज इंडिया के फेवरेबल में थी, वहां पे टैक्स रिजाइन जो है वो इंडिया के फेवर में थे, लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि मॉरिशस में जो प्राइवेट सेक्टर थे वो या तो यूके के, जापान के और यूएसए के थे, तो जिसके कारण जो है इंडिया हैज स्टार्टेड द बिजनेस विद द सिंगापुर, एंड सिंगापुर परसेंटेज ऑफ एफडीआई हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया।
नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एफडीआई इन डिफरेंट सेक्टर्स। देखिए किस किस सेक्टर में एफडीआई कितने कितने इन्वेस्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 2018 केमिकल सेक्टर में है एफडीआई का शेयर 23.5, सर्विस सेक्टर में 22.7, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 18.6, ट्रेड 8.8, टेलीकम्युनिकेशन 8.7, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 6.9, कंस्ट्रक्शन 5.9, पावर 3.6, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 0.8। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ एफडीआई शेयर इन द डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बैटिंग एंड कैसीनोज, चिट फंड्स, अनिधि कंपनीज, दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि ग्रुप मेंबर्स ही चलाते हैं, रियल इस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सिगार, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज अदर देन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक मेट्रोज। सो दीज आर द एरिया वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।